महल में प्रवेश के लिए बड़ी पोल और त्रिपोलिया से होकर गुजरना होता है। फिर आता है एक विस्तृत खुला प्रांगण, जहां से महलों की गगनचुंबी मीनारें, खिड़कियां, दरवाजे और जाली झरोखे देखकर जैसे नजर थम जाती है। सिटी पैलेस का ये भव्य मुख्य द्वार कवियों, चित्रकारों और कलाकारों की कल्पना के लिए एक प्रेरणा है। पहाड़ी की ऊंचाई पर बने इस अपूर्णीय महल का शिल्प सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। सिटी पैलेस के म्यूजियम में सुरक्षित चित्रों में मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास अंकित है। घाटी के युद्ध का पुनः स्मरण कराते ये चित्र मेवाड़ के उस रोमांचकारी आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जो निसंदेह दुर्लभ है। अंतःपुर की इस बारादरी में आज भी सिसोदिया वीरांगनाओं है। वंशानुगत रूप से कई पीढ़ियों द्वारा बनाए गए इस महल का पुनर्निर्माण इतना ध्यान से किया गया है कि इसका सौंदर्य खंडित नहीं होता और इसकी एक रूपता बनी रहती है। महल के इन कलात्मक झरोखों से झांकता अतीत शहर के विहंगम दृश्य को प्रस्तुत करता है, जहां से महल का मुख्य द्वार भी दिखाई देता है। रजवाड़ों के शासनकाल की राजसी प्रथा की प्रतीक है मुख्य द्वार के पास स्थित हाथीशाला। हाथियों का द्वंद युद्ध उस समय का प्रिय राजसी शौक और मनोरंजन हुआ करता था। आज भी हाथीशाला की ये दीवारें अटल खड़ी हैं। गायब हैं तो यहाँ के विशाल काय हाथी। ये है शीश महल का रंगीन कांच का गुंबद। कांच की कलात्मक दीवारें और मोजाइक टाइलों के संतुलित मिश्रण से बनी दीवारें कला के अद्भुत संगम को प्रस्तुत करती हैं। शहर के विहंगम दृश्य को प्रस्तुत करता है। नीली और सफेद डच टाइलों से बने इन झरोखों से पिछोला झील और उसमें स्थित लेक पैलेस का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसी महल में स्थित है राणा भूपाल सिंह का निवास और अपने आप को सूर्यवंशी मानने वाले
मेवाड़ के शासकों का स्वर्ण निर्मित सूर्य चिन्ह। सिटी पैलेस का एक अत्यंत मनमोहक आकर्षण है मयूर चौक में बनी कांच की मीनाकारी और कांच से निर्मित ये मयूर आकृतियां। इसी संग्रहालय में मेवाड़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में हुई खुदाई से मिली वे पाषाण प्रतिमाएं रखी हैं, जिन पर इतिहास ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। यहां का सिटी पैलेस इतना सुंदर और भव्य है के प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर पैलेस की संज्ञा दी थी। ये भव्य राजमहल आज भी मेवाड़ के गौरवमय इतिहास की कहानी सुनाता है।